कोई हिंदू दल वाला यहाँ आया है अपने गुरु जी के लिए, कोई नहीं आया, तो कब आगे बोलेगी, कब जागोगे बहुजन समाज, जागो, हम हिंदू नहीं है, हम दलित है बहुजन समाज। देखिए अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, सरकार की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। अगर सरकार ने मंदिर बनाने के लिए प्रयास नहीं किया तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम मंदिर बनवा करके छोड़ेंगे, हम खून बहा देंगे, सर कटा लेंगे, लेकिन मंदिर वही बनाएंगे। सरकार या तो इस दलित समाज को खत्म करेगी या मंदिर वही बनाएगी। ये तो दलित समाज खत्म होगा अपने महापुरुषों के पीछे, अगर महापुरुष की बात खत्म हो गई तो समाज खत्म हो गया। जीना इज्जत के साथ, बेइज्जत के साथ नहीं। इसलिए समाज चाहता है कि मंदिर वहीं बने, चाहे उसके लिए कीमत कुछ भी देनी पड़ेगी। दलित समाज किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो मायावती की बीएसपी पार्टी से हो, चाहे वो रामविलास पासवान की हो, चाहे जेडीयू से किसी भी पार्टी से दलित एमपी हो या एमएलए हो, हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं, उनको बर्खास्त करने का काम करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते और हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए पुलिस के लटकाने पड़ रहे हैं। बहुजन समाज के महापुरुष संत रविदास जी के साथ अपमानित करके मूर्ति को हटाया गया है। हम संपूर्ण भारत के संपूर्ण राजनीतिक दलों से सुनकर आए 131 आरक्षण के दम पर लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों का पूर्णतः पुरजोर विरोध करते हैं। और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि सरकार तुम्हारी बने ना बने, सांसद तुम्हारे बने ना बने, लेकिन सड़कों पर भीड़ तुम्हारी दिखाई देनी चाहिए जब जब तुम्हारे साथ अत्याचार होगा। आज वो सैलाब माननीय काशीराम साहब का सपना राजनीतिक व्यक्तियों के स्वार्थ के कारण आज दिखाई दे रहा है। अगर राजनीतिक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाते तो आज ये समाज सड़क पर ना होता। माननीय काशीराम साहब के दिए गए उन विचारों के कारण आज बाबा साहब अंबेडकर और सामाजिक धरोहर संत रविदास जी की मूर्ति के साथ इस तरह का अपमानित कार्य मनुवादी सरकार ना करती। दिल्ली के अंदर अगर एक छोटा सा भी केस होता है तो उसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर जाती। इसी प्रकार हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा जो संसद है, भवन है, संसद भवन के अंदर जब तक आवाज नहीं उठे तो उनको ऐसे लोग, गुलामी प्रवृत्ति के लोग मिल गए हैं जिनकी यहाँ को राजनीतिक मोतियाबिंद हो चुका है और जवानों को नकबा मार चुका है, तो हमारे नेतृत्वकर्ता नहीं रहे वो लोग, अब उनके नेतृत्वकर्ता वो जैसा उनके चाबी करते हैं, जिस तरीके जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आगे क्या करना है, तो आगे की रणनीति तो ये, अब पूरे देश की जनता ने उनको नकार दिया है। युवा वर्ग, युवा जोश जिस प्रकार से आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये भीड़ किसी नेता की बदौलत नहीं आई है, और कोई नेता बुलाता भी तो मैं दावे से कह सकता हूँ देश का एक भी नेता सांसद इतनी भीड़ नहीं बुला सकता, वो अपना मंच नहीं लगा सकता। ये मंदिर हमारा नहीं बनता है गुरु जी का, तो हमें कुछ भी करना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जान देने के लिए तैयार हैं हम सब, हजारों करोड़ों लोग भीमसैनिक तैयार हैं, मंदिर हम वहीं बनवा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए इसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है, जैसे चाहो वैसे करने के लिए तैयार हूँ, चाहे शांति से बने या फिर क्रांति से। पहले तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया कि हम संविधान के विरोध कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं हम, आप हमें मजबूर ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट भी मनुवाद सरकार का वो कहती है वही करता है, सुप्रीम कोर्ट पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी मनुवादियों से मिला हुआ है, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। तो सब बहुजन समाज पूरा देश ही दुनिया देख रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट, मनुवादी सरकार सब एक है, हमारा बहुजन समाज एक हो जाओ, समझो कि हम हिंदू हिंदू कहते हैं, हम हिंदू नहीं है, कोई हिंदू दल वाला यहाँ आया है अपने गुरु जी के लिए, कोई नहीं आया, तो कब आगे बोलेगी, कब जागोगे बहुजन समाज, जागो, हम हिंदू नहीं है, हम दलित है बहुजन समाज है, इस बात को अच्छे से समझो, सोचो। खासा आक्रोश है रविदास जी के 600 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में, दलित समाज के, चाहे वो किसी भी जात के, ऐसा नहीं कि किसी एक खास जाति के लोग आए और किसी एक खास राज्य से आए, पूरे देश के हर राज्य से दलित इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन किए, और इनका विरोध प्रदर्शन जो रहा रामलीला मैदान में, लाखों की संख्या में दलित पहुंचे और ये पूरी तरह सफल रहा। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, आगे भी इस तरह से आपके साथ हम जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।